सकता है आपने मोती या फिर मोतियों से बनी माला को जरूर देखा होगा। मटर के दाने के बराबर गोल गोल सफ़ेद दूधिया रंग के चमकदार पत्थर के टुकड़े की तरह दिखने वाले मोती को पाने के लिए सभी लोग ललायित रहते हैं। मोती को न सिर्फ आभूषणों में उपयोग किया जाता है बल्कि इसको अन्य कई तरह से उपयोग में लाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मोती बनता कैसे है? नहीं ना, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं मोती के बनने के पीछे की कहानी। दरअसल असली मोती समुद्र में रहने वाले घोंघा प्रजाति के एक छोटे से प्राणी के पेट में बनते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक घोंघा अपना बच्चा पैदा करने की तरह मोती पैदा करता है। आप जानते होंगे कि घोंघा अपनी रक्षा के लिए एक मजबूत खोल में रहता है जिसे सीप कहते हैं। कभी कभी हजारों में से किसी एकाध घोंघे की सीप में छेद हो जाता है जिसके कारण बालू के कुछ कण सीप के अंदर चले जाते हैं। ऐसी अवस्था में सीप में रहने वाले जीव के अंदर बालू के उन कणों पर एक विशेष पदार्थ की परत चढ़ती रहती है। ये विशेष पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो कि उस जीव के अंदर पैदा होता है। धीरे धीरे ये सफ़ेद रंग के चमकीले गोल आकार का पत्थर जैसा पदार्थ बन जाता है जिसे मोती कहते हैं। हमेशा मछुआरे उनके सीपियों को इकट्ठा कर लेते हैं और एक एक कर तोड़कर उनमें पाए जाने वाले मोतियों को एकत्रित कर लेते हैं। लेकिन आजकल तो मोतियों की बढ़ती आवश्यकता को मद्देनज़र मोतियों की खेती भी की जाती है। इसमें नकली ढंग से सीप में छेद कर बालू का कण पहुंचा दिया जाता है और उसके बाद सीप के अंदर उस पर कैल्शियम कार्बोनेट की परत चढ़ती रहती है और इस तरह से मोती तैयार होता है।